हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेसिकली के बिल कैंसिल कैसे होता है। अगर मान लो ओके लाइफ केयर के अंदर आपने बिल कटवा लिया है तो गलती से किसी और आईडी से कट गया या कोई भी दिक्कत आई है तो समटाइम बिल कैंसिलेशन का प्रोसेस लोग पूछते हैं। सो ओके लाइफ केयर डॉट कॉम में जाइए, ओके पे जाइए और यहाँ से जाके आप अपनी आईडी लॉगिन करें। जैसे यहाँ पे मैं अपनी आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, एंड लॉगिन के बाद आपने जाना है यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन। ऑर्डर सेक्शन में आएगा रीपरचेज बिल समरी। जो भी आपने रिसेंट बिल कटवाया है अपनी आईडी से या जिसकी भी आईडी से, उसकी आईडी ओपन करिए और उसके अंदर आपको ये बिल मिलेगा। रीपरचेज बिल समरी पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी बिलिंग शो हो जाएगी। सपोज ये वाला बिल है जो मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ 5001 रुपीज़ का, इस पर क्लिक करना है इनवॉइस। तो ये आपके सामने एक इनवॉइस आ जाएगा जो शायद यही बिल होगा जो आपने कैंसिल करवाना है मान लो। सो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट पे जाइए। तो लेकिन प्रिंट नहीं करना, आपने इसको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव एज पीडीएफ। सेम ऐसे ही ऑप्शन आता है आपके मोबाइल के अंदर भी। तो इसको आपने सेव कर लिया। कहाँ पे सेव कर रहे हैं आप, डाउनलोड्स के अंदर सेव कर रहे हैं। इनवॉइस नाम से ये सेव हो रहा है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है कि आपने अपनी आईडी, ईमेल आईडी से आपने एक मेल डालनी है कंपोज। यहाँ पे आपने लिखना है info@okelifecare.com। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिल कैंसिलेशन के रिलेटेड है ये, और यहाँ पे आपने अटैचमेंट लगा देनी है। ये मैंने अटैच कर दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई वॉन्ट टू कैंसिल दिस बिल। प्लीज डू इट। या आप हिंदी में कुछ भी यहाँ पे अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं कंपनी को। ठीक है, इसमें आप अपना बिल नंबर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने पीडीएफ अटैच कर दी है तो इनफ है। इसको आप सेंड पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये मेल सेंड हो जाएगी। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है कि जैसे मैं आपको बिल दिखाता हूँ कौन सा बिल था जो हमने कटवाया था। ठीक है, अभी जैसे ये बिल है, बिल नंबर इसके आगे लिखा हुआ है WRA 2449। अब कंपनी क्या करेगी, आपको एक मेल तो करेगी कि हाँ जी हम आपका बिल कैंसिल करने के प्रोसेस के अंदर हैं। फिर उसके बाद कंपनी करती क्या है कि पहले तो इस नंबर पे मान लो इस आईडी से जो बिल कटा है, सो इसमें जो भी नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है उस पे कॉल जाएगी कंपनी की तरफ से कि बिल कैंसिल कर दें। अगर वो पर्सन ओके करता है कि यस आप बिल कैंसिल कर दीजिए, फिर दूसरी कॉल जाती है जहां से आपने बिल कटवाया है, वो कोई भी स्टोर का कोड हो सकता है। सो उस स्टोर ओनर को कॉल जाएगी कंपनी की तरफ से कि ये वाला बिल नंबर है, क्या ये कैंसिल कर दें। तो अगर दोनों तरफ से यस हो जाती है फिर कंपनी उस बिल को कैंसिल कर देती है। ठीक है, सो आपने इस पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए, ध्यान रखिए। और जब भी अगर कोई आपने बिल कैंसिल करवाना है तो आपने उस स्टोर ओनर से पहले बात करनी है कि ये मैं बिल कैंसिल करवाने जा रहा हूँ और ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप उनको प्रोडक्ट शो करिए, उनको वापस कर दीजिए प्रोडक्ट, और फिर वो आगे फर्दर कंपनी को यस करेगा कि जी हाँ मेरे को प्रोडक्ट मिल गए हैं या मैंने प्रोडक्ट अभी डिलीवर नहीं किए, गलत आईडी से बिल कट गया था। सो कंपनी को वो पर्सन बोलेगा बिल कैंसिल कर दो, तो बिल कैंसिल हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। यहीं तक थी मेरी ये वाली वीडियो।